वेल तो जी, सीरीज की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई।
तो ये सीरीज जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है, तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था, एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो एमएक्स प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को एमएक्स प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ एमएक्स प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने
श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोजर की, कि इस सीरीज के कंपोजर्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज के कंपोजर्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहां पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक
अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है, लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न। इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाध्याय ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है।
तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में,
जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं, इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने, श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की, कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला, एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था।
आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने, श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा,
अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं।
और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की, कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाब वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को, कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर,
उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाब वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं,
तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ एमएक्स प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं, एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की, कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे।
सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहां पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं।
और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोजर की, कि इस सीरीज के कंपोजर्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज के कंपोजर्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को, कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर,
उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाध्याय ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है।
हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर
हिंदी जुबान की बनाई गई सीरीज है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने, श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे।
उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शालाब वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है।
तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीजन के कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं एंड इस सीजन को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीजन के जो नंबर ऑफ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर दो सीजन। इसके टोटल इस वेब सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीजन की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से,
क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाब वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है।
हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाब वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था।
आप लोग इस सीरीज को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज किया जाएगा। तो इस सीरीज को MX प्लेयर पर रिलीज किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने, श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलभ वर्मा,
अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो मई 28 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहां पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है।
तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीजन के कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं एंड इस सीजन को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीजन के जो नंबर ऑफ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीजन। इसके टोटल इस वेब सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीजन की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, इस सीरीज की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहां पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से।
क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की, कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है।
हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाध्याय ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था।
आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो एमएक्स प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को एमएक्स प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX Player पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार, इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाध्याय ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा,
अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यह वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहां पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं।
और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने, श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की, कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को, कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर,
उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है।
हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाब वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था।
आप लोग इस सीरीज को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज किया जाएगा। तो इस सीरीज को MX प्लेयर पर रिलीज किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार, इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने, श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा,
अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या YouTube पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे YouTube पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को यहां पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं।
और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो रितम ने श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की, कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड बीजीएम को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहां पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को, कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर,
उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न। इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिजर्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है, हम इसे कहां पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं,
तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है। तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम ड्रामा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाधे ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28, 2020 को प्योर हिंदी ज़ुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो May 28 को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहां पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमाघरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो MX प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को MX प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ एम एक्स प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए। वेल तो जी, सीरीज़ की दुनिया से हम लोग आए हैं एंड एक और सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ रक्तांचल के बारे में, जो कि बहुत ही एक प्यारी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, थ्रिल ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसे कहाँ पर एंड कैसे देख सकते हैं, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू तो दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चंद एक फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जाननी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे लाजमी से एक मरतबा इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल के साथ इसका मुआयना भी करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की जांच पड़ताल को कि ये किस तरह की सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस सीरीज़ की कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो इस सीरीज़ में जान नहीं होगी। तो यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को क्रांति प्रकाश झा देखने को मिलेंगे, निकितन धीर, उसी के साथ साथ चित्तरंजन त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6.8 out of 10, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से 60% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है। तो उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीज़न के कितने नंबर ऑफ़ एपिसोड्स हैं एंड इस सीज़न को डायरेक्ट किसने किया है, तो इस सीज़न के जो नंबर ऑफ़ सीजन्स हैं वो हैं जी यहाँ पर 2 सीज़न, इसके टोटल इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं, एंड हर एक यहाँ पर हम सीज़न की बात करें कि इनके टोटल कुल मिलाकर अभी तक कितने एपिसोड्स आ चुके हैं, तो इनके 18 एपिसोड्स आ चुके हैं, और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज से टाइम ड्यूरेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यार इस तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आई थिंक आप लोगों को 40 मिनट तो डिज़र्व बनते हैं भाई साहब, आप लोगों को देखने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की, कि इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर किसने लिखा है, तो सर्वेश उपाध्याय ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा, इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन को लिखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो श्रीवास्तव ने इस मूवी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। उसी के साथ साथ हम बात करें कंपोज़र की, कि इस सीरीज़ के कंपोज़र्स कौन हैं, सॉन्ग्स को एंड BGM को किसने संभाला है, तो मन्नान मुंजल और परेश शाह आप लोगों को इस सीरीज़ के कंपोज़र्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो गौतम तलवार, उसी के साथ साथ शलाभ वर्मा, अर्जुन सिंह बारान और कार्तिक डी आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में, इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को विजय मिश्रा ने संभाला, एंड उसी के साथ साथ प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को ग्लोबल सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पिनाका स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे।
तो ये सीरीज जो है वो मई 28, 2020 को प्योर हिंदी जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर दी गई थी। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि कब रिलीज़ की गई एंड कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये सीरीज़ जो है वो मई 28 तारीख को रिलीज़ कर दी गई थी 2020 के साल में। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड्स को यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड्स को रिलीज़ किया गया था। एंड किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई ये मैं बता देता हूँ। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई सीरीज़ है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस सीरीज़ को अपने किसी भी करीबी सिनेमा घरों में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये वहाँ पर कहीं भी रिलीज़ नहीं की गई थी। जी हाँ, ये सीरीज़ है तो इसीलिए इसे ऑब्वियसली डिजिटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ किया गया था एंड अभी भी फाइनली ये सीरीज़ जो है वो एमएक्स प्लेयर पर ही अवेलेबल है। आप लोग इस सीरीज़ को एमएक्स प्लेयर पर इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है, आप लोग इसे वहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो जी नहीं, ये यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे, तो आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ एमएक्स प्लेयर पर ही देख पाएंगे। तो आप लोग लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को, इस सीरीज़ को एक चांस तो लाजमी से दीजिए।